नारी किसी भी जाति की हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति की हो, चाहे वो क्षत्रिय जाति की हो, चाहे वो वैश्य जाति की हो, चाहे वो शूद्र जाति की हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें कोई फर्क नहीं करा, सारी नारियों से उनका बैर था, तो सबके लिए लिख दिया। अब वो नारी जो बड़े चाव से सुंदरकांड का पाठ पढ़ती है गा गा बजा जा के, उसको ये समझ में नहीं आ रहा इतना पढ़ लिखने के बाद भी कि ये चौपाई तो मेरे ही लाभ मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा अपने इस मंच के माध्यम से, प्रवक्त के माध्यम से, कि अब मेरे कहने से आप जो बौद्ध बन जाना, बौद्ध धर्म अपना लेना। अगर मेरे कहने से आप बौद्ध बन भी गए तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप उस मार्ग पर नहीं चल पाओगे। अच्छा होगा कि आप स्वयं से निर्णय लें क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसी के कहने में आकर ना आप हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना बौद्ध बने। आप पूरी तरह से मात्र 21 साल की उम्र में उसने इतनी बड़ी अच्छी किताब लिखी, और फांसी के फंदे को चूमते वक्त भी जेलर ने उससे बार बार कहा कि ईश्वर में आस्था रख, प्रार्थना कर ले, तेरा कुछ दर्द कम हो जाएगा, तुझे सुख की अनुभूति होगी। लेकिन नहीं, उसने बोला कि मैं स्वार्थी नहीं हो सकता, मैं अपने लालच में आकर अपने जीवन को बचाने के लिए मैं उस ईश्वर को नहीं मान सकता, जिस ईश्वर के रहते हुए इस देश में अकाल पड़ते हैं, लोग भूख से मरते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ये तार्किकता है, ये वैज्ञानिकता है, ये महान मान रही है। जब मोदी जी को चीन आंख दिखाता है, पाकिस्तान आंख दिखाता है, जब मोदी जी किस विचार पर चलते हैं, क्या वो भगवान बुद्ध के विचार पर नहीं चलते हैं? साथियों, एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आखिर किस बात की लड़ाई ली, वो किस बात के लिए लड़े? क्या उन्होंने किसी झूठ की लड़ाई लड़ी या उन्होंने सच की लड़ाई लड़ी? और उन्होंने अगर सच की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने किसकी परवाह की? साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में समाज सुधार का, समाज सुधार का मतलब होता है कि जो समाज है उसकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, वह अपनी कुछ सोच बना के रखता है, उस पर चलने का प्रयास कर रहा है, उसमें कहीं गड़बड़ी है, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं जिनको सुधारे जाने की आवश्यकता है। कुछ लोग उस पर चिंतन मनन करते हैं कि हाँ सुधार की गुंजाइश है, लेकिन क्योंकि पूरा समाज उन परंपराओं का निर्वहन कर रहा होता है, उन बातों को मान रहा होता है, उन रूढ़ियों पर चल रहा होता है, तो अधिकतर लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है यह जानते हुए भी कि वे परंपराएं गलत हैं, वे रूढ़ियां सही नहीं हैं, ये मार्ग ठीक नहीं है। लेकिन जो समाज सुधारक होते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते कि वो समाज उनको क्या कहेगा, उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, उनको मारेगा पीटेगा या क्या करेगा। तो इसी प्रकार से जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें, आज उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, और जन्मदिन मनाते समय अगर हम उनकी बात पूरी सच्चाई और ईमानदारी से ना करें तो उनके जन्मदिन को मनाना व्यर्थ जाएगा। उनके त्याग बलिदान और कुर्बानी की बातें आपने बहुत सुनी होंगी, और इस देश में किसी को उनकी कुर्बानी की, उनके त्याग की, उनके बलिदान की, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की बात करने से कोई गुरेज नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी बात करें या ना करें, लेकिन कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है जब उनकी उन बातों को किया जाता है जिससे इस देश के लोगों की रूह हिलने लगती है, उनका जमीर चिल्लाने लगता है, एकाएक वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि ये क्या हुआ। ऐसा ही एक डिसीजन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया, और जो बात मैं बोलूंगा पूरी सत्यता के साथ बोलूंगा, प्रमाण के साथ बोलूंगा, वो मेरे खिलाफ कर सकते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला की भूमि से, इसी तरह का मंच था, सामने लाखों की भीड़ थी,
वहां पर एक घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये घोषणा बड़ी महत्वपूर्ण थी, अभी तक ऐसी घोषणा किसी ने नहीं की थी। जो भी अत्याचार हो रहे थे समाज उनको सहन करने के लिए मजबूर था। ऐसा नहीं है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर पहली बार कोई धार्मिक रूप से अत्याचार हुए हों, पूरे समाज के ऊपर हजारों सालों से वो धर्म के आधार पर अत्याचार हो रहे थे। बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि ये धार्मिक अत्याचार है, ये धार्मिक तानाशाही है, लेकिन मैंने कहा कि समाज सुधार के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कदम कोई नहीं उठा पाता, और जो कदम उठाता है वही समाज बदलने का काम करता है। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1935 को यह घोषणा की, जबकि अत्याचार कब से हो रहे थे उनके ऊपर, बचपन से ही अत्याचार शुरू हो गए थे। जब वे नाई के पास अपने बाल कटाने के लिए गए, जो नाई भैंस के बाल काट रहा था उस नाई ने बाबा साहेब अंबेडकर के बाल काटने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अछूत तू यहां से भाग जा, मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से बड़े तार्किक थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप भैंस के बाल काट सकते हो तो मेरे बाल काटने में क्या बुराई है। लेकिन वो नाई बहुत रूढ़िवादी था, उसने बड़ी कट्टरता के साथ में जवाब दिया और वहां से भीम को भगा दिया। उसके बाद जब भीम स्कूल गया तो स्कूल में अंदर बैठकर शिक्षा लेने का अधिकार उसे वंचित कर दिया। उससे स्कूल के जो कंपाउंड में जो नल था या घड़ा था उससे पानी पीने की सीधे उसको इजाजत नहीं थी, वहां पर चपरासी आएगा, चपरासी ऊपर से पानी डालेगा तो भीम पानी पी पाएगा, चाहे वो मई जून की चिलचिलाती गर्मियां क्यों ना हो जिसमें कि प्यास को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। यह अत्याचार भी भीम के ऊपर हुआ। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भारत में आ गए, ऐसी डिग्रियां जिनको कोई भी व्यक्ति ले तो पूरी दुनिया में वह सम्मान का पात्र बन जाता है, उसे बड़ी बड़ी हस्तियों से बधाइयां मिलती हैं, लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस छात्रवृत्ति के आधार पर विदेशों में शिक्षा लेने के लिए गए थे, उसका बदला चुकाने के लिए जब बड़ौदा रियासत में नौकरी करने के लिए गए, तब उन्हें वहां भी अछूत होने के कारण नौकरी नहीं करने दी गई। जो कर्ज उन्होंने बड़ौदा रियासत से लिया था उसको चुकाने नहीं दिया। जब मैं ये बात सोचता हूं तो मैं स्वयं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि जो बचपन से जो अत्याचार हो रहे थे तब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों नहीं छोड़ा, 1935 में यह घोषणा क्यों की, और ये जो अत्याचार हो रहे थे ये अत्याचार कौन कर रहा था, क्या इस देश के मुसलमान ये अत्याचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कर रहे थे, ईसाई कर रहे थे, विदेशी कर रहे थे, आखिर कर कौन रहा था। वो इसी देश के उन्हीं के धर्म के भाई हिंदू लोग ही कर रहे थे ना। अब मैं ये सोचने पे और मजबूर होता हूं कि जब वो अपने ही धर्म के भाई के साथ में ऐसे अत्याचार कर रहे थे तो वे अत्याचार कर क्यों रहे थे, उन्हें ये अत्याचार करने की इजाजत किसने दी, किसी ने उनको रोका क्यों नहीं, रोकता कौन, इजाजत कहां से मिली। इजाजत मिली धर्मशास्त्रों से, धर्मशास्त्र जिनके आधार पर इस समाज में हजारों सालों से अत्याचार होता आया। मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि धर्मशास्त्र ऐसा कैसे कह सकते हैं, सभी धर्म समान हैं, वो तो अच्छी बातें करते हैं, धार्मिक होना तो अच्छी बात है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे अचंभा हुआ जब मैंने रामायण पढ़ी, जब मैंने तुलसीदास की रामायण पढ़ी तो उसमें चौपाई आती है कि ढोल सुत पशु गवार और नारी,
ये सकल ताकना के अधिकारी। एक जगह कहीं पर चर्चा हो रही थी, थोड़ी सी बहस हो गई, एक पढ़ी लिखी महिला वो बहस करने लगी कि आपको इसका मतलब नहीं मालूम है। मैंने कहा ठीक है तो आप बता दीजिए। वो कहती है कि तारना का मतलब मारना पीटना नहीं होता, लतारना नहीं होता, तारना का मतलब होता है शिक्षा करना, शिक्षित करना, शिक्षा देना। तो मैंने उससे पूछा कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों को शिक्षित करना उद्देश्य था, बाकी लोगों को भी छोड़ दिया? क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो तर्क का युग है, विज्ञान का युग है, लोग आज सोचने लगे हैं, तो जब ये प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब देना भी, जो उन चौपाइयों को आज भी बड़े चाव से पढ़ रहे हैं तो उनको उसका जवाब भी खोजना था, इसीलिए उन्होंने तारना को बदल दिया शिक्षा देने में। इसी प्रकार से जो पढ़ी लिखी नारी है, जो डॉक्टर बन गई है, वकील बन गई है, इंजीनियर बन गई है, राष्ट्रपति बन गई है, प्रधानमंत्री बन गई है, और जब वह सुंदरकांड के पाठ में जाती है और वहां पर वो जब ये चौपाई को बड़े चाव से मजे लेकर पढ़ती है और गाती है, तो मैं उसकी मूर्खता की क्या बात करूं। उसमें लिखा है ना कि ढोल छुप पशु गवार और नारी, ये सकल तारना के अधिकारी। अब नारी को भी उसमें शामिल किया है, कौन कौन है? ढोल है, शूद्र है, पशु है, गवार है और नारी है। इन लोगों को एक ही कैटेगरी में रखा है। जैसे ढोल है, ढोल निर्जीव है, जब तक उसको पीटेंगे नहीं तो आवाज नहीं करेगा, और जो गवार है उसको भी पीट कर ही बस में रख सकते हैं। शूद्र के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किए, और नारी, नारी किसी भी जाति की हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति की हो, चाहे वो क्षत्रिय जाति की हो, चाहे वो वैश्य जाति की हो, चाहे वो शूद्र जाति की हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें कोई फर्क नहीं करा, सारी नारियों से उनका बैर था, तो सबके लिए लिख दिया। अब वो नारी जो बड़े चाव से सुंदरकांड का पाठ पढ़ती है गा गा बजा बजा के, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है इतना पढ़े लिखने के बाद भी कि ये चौपाई तो मेरे ही खिलाफ है, उसका कभी विरोध नहीं करती है। ये बड़ा ताज्जुब का विषय है। इसी तरह से मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रकरण आता है सम्मुख ऋषि का वध। अब सम्मुख कौन है और उसका प्रकरण क्या है? सम्मुख जंगल में तपस्या करता है, बहुत कठिन तपस्या करता है, ऐसे उच्च कोटि की तपस्या करता है कि उस समय के जो ब्राह्मण थे वो भी उस तरह की तपस्या नहीं कर पा रहे थे। जैसे आज के जमाने में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तपस्या की, तो उनके जो समकालीन आसपास हम किसी को नहीं देखते हैं कि इतनी कठिन तपस्या किसी ने की हो, इतनी डिग्रियां किसी ने हासिल की हो। ऐसी तपस्या उस समय पर सम्मुख ऋषि जंगल में कर रहे थे। अब राम भा पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये इतना तेजस्वी व्यक्ति कौन है जो तपस्या के उत्कर्ष को छू रहा है, उसकी पराकाष्ठा को छू रहा है, तो जाके उसका परिचय लेते हैं। भगवान श्री राम उससे बोलते हैं कि भाई आप कौन हैं जो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, ऐसी तपस्या करने वाला व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा, आप किस जाति से हो, किस गोत्र से हो, कृपया अपना परिचय दें। क्या पूछ रहे हैं वो? मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखें, मैं जो बोल रहा हूं वो वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूं, और वाल्मीकि रामायण हर किसी के लिए उपलब्ध है, अभी वो बैन नहीं हुई है। तो वो भगवान श्री राम क्या पूछ रहे हैं सम्मुख ऋषि से कि भाई आपकी जाति कौन सी है? जाति पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उस समय किसी भी शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो भगवान श्री राम ये जांचने का प्रयास कर रहे हैं जाति पूछकर कि कहीं कोई शूद्र तो तपस्या नहीं कर रहा है। तो सम्मुख ऋषि सत्य बोलने वाले थे, तो उन्होंने अपना परिचय देखते हुए बोला कि राम मैं शूद्र सम्मुख हूं और मैं शूद्र समाज से ताल्लुक रखता हूं। और जैसे ही राम को पता लगा तो म्यान से तलवार निकाली और उस सम्मुख की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। ये जो अत्याचार हुआ ये क्यों हुआ? भगवान
कहे जाने वाले श्री राम ने उस शंभू को क्यों मारा, क्या कसूर था? तपस्या करना कसूर था, लोगों को शिक्षित करना कसूर था। इसी प्रकार से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ज्ञान की पराकाष्ठा को छू लिया और उसके बाद उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, मनुस्मृति पढ़ी, और जब सबको पढ़कर उसके भीतर झांक कर देख लिया कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग जो मेरे पे बचपन से अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, इनकी मर्जी के पीछे वो शक्ति है और वो शक्ति धर्मशास्त्रों से मिल रही है। तो उन्होंने सबसे पहले तो उसको अत्याचार को धार्मिक रूप समझते हुए 1935 में ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उससे पहले उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का अध्ययन किया था, मनुस्मृति को जलाया था। वो किस लिए? अभी हमने नौराते देखे, नौराते गए हैं, उसमें मांस को लेकर बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, बहुत से लोगों ने मांस को बेचने पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। अब सोचने वाली बात यह है, क्या मनुस्मृति हिंदुओं को मांस खाने के लिए मना करती है? लेकिन समस्या ये है कि यहां पर कितने हिंदू लोग बैठे हुए हैं जो अपने धर्म ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो उसके भीतर क्या लिखा है हम कैसे जानेंगे। अब मनुस्मृति हिंदुओं को यह बताने का काम करती है कि मांस किसका खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। और अभी नौराते सिर्फ 9 दिन के लिए, कुछ ही समय के लिए लोगों ने मांस नहीं खाया, और जैसे नौराते खत्म होंगे उसी मांस पर यही लोग टूट कर पड़ेंगे। ये कैसा धर्म है, ये कैसी संस्कृति है? अगर मांस खाना बंद करना है तो उसके पीछे आपका ध्येय होना चाहिए कि मैं किसी पशु की हत्या के पक्ष में नहीं हूं और मैं आजीवन मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं किसी प्राणी की बलि नहीं दे सकता, मैं उसका जीवन नहीं ले सकता। तो इन सब बातों को सोचकर, समझकर, जानकर कि बचपन से जो अत्याचार मेरे ऊपर हुए वो इस कारण से हुए, इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को ये बिला की भूमि से ये घोषणा कर दी। लेकिन उसके बाद जो धर्म अपनाया उन्होंने, बौद्ध धर्म अपनाया, सभी लोग जानते होंगे, किसी छुपी हुई बात नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को ठीक 21 साल बाद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागपुर की दीक्षा भूमि से लाखों लोगों के उपस्थिति में और लाखों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन करते हैं। आज तो धर्म परिवर्तन का मतलब सिर्फ ग्रुप का परिवर्तन है, संप्रदाय का परिवर्तन है, वेशभूषा का परिवर्तन है, बाल कैसे रखने चाहिए उसका परिवर्तन हो जाता है, दाढ़ी रखनी है या नहीं रखनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, मैं मुसलमान तो मेरा परिधान ऐसा होना चाहिए, मंदिर और मस्जिद का परिवर्तन हो जाता है। लेकिन धर्म परिवर्तन क्या वास्तव में ये है? क्या वास्तव में ये धर्म परिवर्तन है? नहीं, धर्म परिवर्तन है स्वभाव में परिवर्तन। मैं हिंदू से मुसलमान बन गया, लेकिन मैं हिंदू रहते भी गलत काम करता था, क्रोध करता था, हत्या करता था, व्यभिचार करता था, नशा करता था, और मैं मुसलमान बनने पर भी वही सब कर रहा हूं, तो मेरा धर्म परिवर्तन का क्या फायदा? मैंने सिर्फ मंदिर मस्जिद बदले हैं, स्वभाव नहीं बदला है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब धर्म परिवर्तन किया तो उन्होंने 5 सील ग्रहण किए, 5 सील के आधार पर अपना पूरा जीवन वैसे भी जीते आए थे और उसके बाद और तन्मयता साथ जिए। तो असली धर्म परिवर्तन ये है। आज भी हम देखते हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसरण करने वाले लोग उनका अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, अपने नाम के आगे बौद्ध लिख देते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। जो बातें बुद्ध ने उनके भले के लिए बताई उन पर कोई उनका वो जोर नहीं है। अब यहां पर जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा, क्यों छोड़ा, उस पर प्रकाश डाला, इसी प्रकार से जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा तो सारी दुनिया को मालूम पड़ गया कि अब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी दूसरे धर्म को अपनाएंगे।
ये बात तय हो गई, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। और कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि धर्म अफीम का नशा है, उस बात से बाबा साहेब इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि बाबा साहेब व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए नैतिक मूल्यों को जरूरी समझते थे, और नैतिक मूल्यों की स्थापना धर्म के बगैर नहीं हो सकती है। इसीलिए उन्हें 21 साल लगे। अगर आज आपको मुझे धर्म परिवर्तन करना हो तो ज़्यादा देर ना लगेगी। मैं अभी कितने ही लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने आज निर्णय लिया कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है, तो कल ही मंदिर मस्जिद में जाकर धर्म परिवर्तन हो जाता है। मुश्किल से एक दिन लगता है, एक घंटे में भी हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कि अमेरिका में एक बॉक्सर था, उसका नाम मैं नहीं जान रहा, तो गोरे काले का जो भेद था उसके कारण परेशान होकर उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कितना समय लगा उसको, लेकिन बाबा साहेब को 21 साल लगे। 21 साल किस लिए लगे, इस बात पर चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। 21 साल तक उन्हें इस बात का जवाब देना था, क्योंकि उनसे उनका समाज भी सवाल करेगा और उनके जो संसार के जो लोग हैं वो सभी सवाल करेंगे कि बाबा साहेब आपने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, उसका जवाब देना था। दूसरा, बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस बात का जवाब देना था। अब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास इतने बड़े बड़े ऑफर आए, इतनी धमकियां भी आई कि आप हिंदू धर्म मत छोड़ो, यहीं रहो। हैदराबाद के निजाम का ऑफर आया कि आपको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप इस्लाम कबूल कर लो। पटियाला की रियासत से संदेश आया कि आप सिख धर्म कबूल कर लो, आपको जो है रियासत का आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा। ईसाई धर्म से भी इसी तरह के प्रलोभन आए, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी अपने लिए जिए ही नहीं थे, तो अब अपने समाज को कैसे बेच देते। उनको अपने समाज को सही दिशा दिखाने थी, इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर एक धर्म को अपनाया जो कि बौद्ध धर्म है, और उसको अपनाने से पहले उन्होंने एक किताब लिखी, बुद्धायन धम्मा, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो साहित्य है बहुत विशाल है, त्रिपिटक साहित्य है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि उसको पढ़ ले और उसको समझ ले। इसीलिए उन्होंने सबका एक संक्षिप्त रूप एक किताब में दिया, बुद्धायन धम्मा में, ताकि लोग जरा सा पढ़ के बुद्ध के धर्म को समझ सकें और उस पर चलने का काम कर सकें। अब बुद्ध के धर्म में ऐसी क्या अच्छाइयां हैं, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। बुद्ध कहते हैं कि ना ही वेरे वेरानी समंतित उदाचरण अवेरे चय समंती ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब यह बात कैसी है, इस बात को दुनिया का कोई आदमी मना करेगा क्या, इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई गाली दे तो आपने भी उसको गाली दी या क्रोध किया, तो क्या उसको आप शांत कर पाओगे। लेकिन अगर आपने को किसी ने गाली दी और आपने उसको कम से कम गाली नहीं दी, क्रोध नहीं दिया, ये नहीं किया, तो कम से कम उसका गुस्सा शांत होता है, क्रोध शांत होता है, और आप उससे सवाल जवाब कर सकते हो कि भाई आप गाली क्यों दे रहे हो, बड़े इज्जत मान सम्मान की बात है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे डर के जीना बेकार है, ये तो डरपोकों का बात है। अगर डरपोकों की बात है तो इस बात को आज पूरी दुनिया क्यों मान रही है, जब मोदी जी को चीन आंख दिखाता है, पाकिस्तान आंख दिखाता है, जब मोदी जी किस विचार पर चलते हैं, क्या वो भगवान बुद्ध के विचार पर नहीं चलते हैं, क्या वो आंख दिखाने वालों को तुरंत तगड़ा सा जवाब दे पाते हैं, क्या उनको जीत लेते हैं, क्या उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं, नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जरा सी भी अगर उकसावे की टिप्पणी हुई तो युद्ध छिड़ सकता है, और युद्ध किसी के भले में नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं बुद्ध ने इस देश के लोगों के लिए दी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपना इस जीवन में कल्याण कर सकता है, सुख को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा कि फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवार्यं उजुं करोति मेधावी उसु कारो में तेज रंग, कि जो चित्त है जिसे आप मन समझते हो, ये चपल है, चंचल है, दुरक्ष है, इसकी रक्षा बड़ी मुश्किल से होती है, और जो मेधावी पुरुष हैं, जो पुरुषार्थ करने वाले लोग हैं, वो इसको उसी तरह से अपने काबू में रखते हैं जिस प्रकार से कि बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। कितनी महत्वपूर्ण बातें इस देश के लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने कही। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे।
कोई भी निर्णय यूं ही नहीं ले लिया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अकोची मंग अवधि मंग अजी नि मंग अहासी में ये चेतंग प्रहंती विरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसी बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बातें वो हैं जो आदमी अपने दिमाग में बिठा ले तो जीवन में उसका किसी से कोई कलह नहीं हो सकता। बुद्ध का इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं था। बुद्ध ने अपने से दुश्मन समाप्त किए। ऐसा नहीं है कि दुश्मन नहीं रहे, लेकिन दुनिया रही जो उनको दुश्मन समझती होगी। उस समय 62 पंथ थे, 6 प्रमुख पंथ थे, जिनको कि बुद्ध ने अपनी थ्योरी के अपने ज्ञान के माध्यम से ध्वस्त करने का काम किया। वो तो दुश्मन रखते होंगे, लेकिन बुद्ध ने किसी के प्रति बैर नहीं पाला और अपने से हर दुश्मन को नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम अगर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं तो हमें इस बात को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने से हमारा कोई भला नहीं होगा। क्योंकि इस गांव में आया तो पता लगा कि यहाँ पर भगत सिंह की भी मूर्ति लगाई है। अब भगत सिंह की मूर्ति, भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीरें लगाने का निर्णय तो केजरीवाल सरकार ने पंजाब में और दिल्ली में भी लिया है, लेकिन भगत सिंह को बताने का निर्णय कौन लेगा? बाबा साहेब को बताने का कौन निर्णय लेगा? उनके बारे में बताने की बात कौन करेगा? भगत सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं नास्तिक क्यों हूं ये किताब किसने लिखी, कि कितने लोग जानते हैं? भगत सिंह नास्तिक क्यों बना? मात्र 21 साल की उम्र में उसने इतनी बड़ी अच्छी किताब लिखी और फांसी के फंदे को चूमते वक्त भी जेलर ने उससे बार बार कहा कि ईश्वर में आस्था रख, प्रार्थना कर ले, तेरा कुछ दर्द कम हो जाएगा, तुझे सुख की अनुभूति होगी। लेकिन नहीं, उसने बोला कि मैं स्वार्थी नहीं हो सकता, मैं अपने लालच में आकर अपने जीवन को बचाने के लिए मैं उस ईश्वर को नहीं मान सकता जिस ईश्वर के रहते हुए इस देश में अकाल पड़ते हैं, लोग भूख से मरते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ये तार्किकता है, ये वैज्ञानिकता है, ये महान पुरुष थे। इनको समझने का काम हम करेंगे और उसको अपने जीवन में हम ढालने का प्रयास करेंगे। इन महापुरुषों की जयंती को मनाने का हमारे जीवन में कोई बड़ा लाभ नहीं है। लाभ है तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से लाभ मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा अपने इस मंच के माध्यम से, अपने वक्त के माध्यम से, कि अब मेरे कहने से आप जो बौद्ध बन जाना, बौद्ध धर्म अपना लेना। अगर मेरे कहने से आप बौद्ध बन भी गए तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप उस मार्ग पर नहीं चल पाओगे। अच्छा होगा कि आप स्वयं से निर्णय लें क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी के कहने में आकर ना आप हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना बौद्ध बने, आप पूरी तरह से धार्मिक बने। बुद्ध ने धर्म की परिभाषा कहते हुए कहा था कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना, सभी प्रकार के पुण्य और अच्छे कर्मों का करना, और पाप और पुण्य के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है। हम अब तक धर्म किसको समझ रहे हैं? धूप बत्ती अगरबत्ती को करने से, घंटी बजाने से, इन्हीं सबको समझ रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है और धर्म का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। इसी साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।